नमस्कार, मैं उमंग सिंह, आप देख रहे हैं स्किल फिजिकल फिटनेस क्लब का यूट्यूब चैनल। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं क्लास प्लस टू फिजिकल एजुकेशन लेसन थर्ड योगा एंड लाइफ स्टाइल आसन एज ए प्रिवेंटिव मेजर। जो आसन है किन किन रोगों के अंदर प्रिवेंटिव मेजर है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम जो वीडियो शो कर रहे हैं ये है बैक पेन का, क्योंकि पहले हमने डायबिटीज, ओबेसिटी, अस्थमा और हाइपरटेंशन को कवर कर लिया है। तो ये लास्ट टाइम आ रहा था बैक पेन। तो बैक पेन आपको जैसा कि पता है दुनिया के अंदर हर 10 में से 9 व्यक्ति बैक पेन का कभी न कभी शिकार हुए हैं। दुनिया के 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों को कभी ना कभी कमर का दर्द जरूर रहा है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कमर दर्द के दौर से कभी ना कभी गुजरा है। तो उस पर हम जो योगा के आसन है, कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर है, उन पर हम आज चर्चा करेंगे। इन आसनों के द्वारा अगर किसी के बैक पेन की समस्या है तो वो भी सही हो सकती है। सेकंड, जो हमारी वीडियो है स्पेशली प्लस टू क्लास फिजिकल एजुकेशन के बच्चों के लिए है, ताकि वो इन आसनों को कर सीख सके प्रैक्टिकली और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। तो सबसे पहला आसन है जो बैक पेन के अंदर, वह है ताड़ासन। सीधे खड़े हो जाएंगे, जमीन पर सीधे खड़े हो जाते हैं, दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं, एक लंबी सांस भरते हुए जब तक संभव हो श्वास को रोक के रखें। एड़ियों को जमीन से उठाकर रखना है। दोनों हाथ हैं जो ऊपर रहेंगे, अपर बॉडी को पूरा स्ट्रेच करके रखते हैं। धीरे धीरे जब तक हम सहन कर सके उसके पश्चात, जितना समय तक सांस को रोक सकते हैं रोकें, उसके पश्चात धीरे धीरे हाथों खोल कर नीचे लेके आएंगे और एड़ियों को नीचे लेके आएंगे। इस आसन को 8 से 10 बार जितनी बार रिपीट कर सके एक दिन में करना है। इसके पश्चात जो दूसरा आसन होता है वह होता है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। जो अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, एक घुटना, हाँ जी, एक जो थाई है दूसरी थाई के नीचे रहती है, तो जो एक थाई है, जो आपका एंकल है, जो आपका टखना है वो दूसरी थाई के नीचे रहेगा, और जो दूसरा टखना है वो थाई के ऊपर से क्रॉस करेगी जो आपकी लेग है। तो इस प्रकार जो हाथ आपके इस मुद्रा में रहेंगे, इस मुद्रा को बोलते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो ये आसन भी आपने 5 से 6 बार या 5 से 10 बार जितनी बार कर सकते हैं इसको आपने करना है। तो ये दूसरा आसन था कमर दर्द के रोगों में। इसके पश्चात जो अगला आसन होता है वह होता है वक्रासन। दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं, और एक पैर को मोड़ते हुए दूसरे पैर को ऊपर से क्रॉस रखेंगे। जो एक हाथ हमारा जो अपर बॉडी है इसको घुमा के जो कर्व होता है साइड से, कई बार क्या होता है धीरे धीरे कमर दर्द से कई बार हम कमर को पूरा वेट नहीं दे पाते एक साइड, तो जो वेट एक साइड देने की वजह से पूरा जो बाहर है हम दर्द की वजह से कमर पर नहीं रखते, तो कमर का वक्र निकल आता है साइड में, जिसको स्कोलोसिस या रोडोसिस बोल देते हैं। साइड में कमर झुक जाती है, कुबड़ निकल आता है कई बार, तो ऐसी समस्या नहीं आती। तो कमर दर्द में ये सबसे कारगर आसन है। इसके पश्चात जो हमारा अंतिम आसन होता है, नेक्स्ट आसन है, वह है शलभ आसन। तो पेट के ऊपर लेट जाएंगे, जो दोनों हाथ हैं थाई के नीचे रखेंगे, और जो पैर हैं पैरों को पीछे से उठाते हैं गहरी सांस भरते हुए। तो जैसा कि नाम से शलभ, शलभ का अर्थ होता है, क्योंकि आपको पता है जो योगा है इसके सभी नाम है जो आसनों के वो संस्कृत भाषा से होते हैं। तो शलभ बोला जाता है टिड्डे को, जो टिड्डे की स्थिति होती है उस स्थिति में पैरों को लेके आते हैं। तो शलभ आसन है ये जो नेक्स्ट आसन था हमारा। तो इस आसन को भी 8 से 10 बार करते हैं।
ये जो आसन होता है कमर दर्द में बहुत ही लाभकारी है। तो इसके पश्चात जो अगला आसन होता है भुजंग आसन, तो जैसा कि आपको पहले हम दूसरी वीडियो में बता चुके हैं, जितने भी आसन होते हैं अस्थमा के, कमर दर्द के, ये जो एक आसन है भुजंग आसन, ऐसा जो सभी में कॉमन है, वो आपका डायबिटीज में भी होगा, हर रोगों में होगा। तो भुजंग आसन के लिए क्या करते हैं, पेट के बल लेट जाएंगे, हाथों को सामने रखेंगे, अब हाथों को धीरे धीरे कंधों के पास रखेंगे और एक गहरी श्वास भरते हुए, लंबी श्वास भरनी है, धीरे धीरे हमने श्वास के लेनी है और हाथों को सीधा करना है, अपर बॉडी को आपने उठाना है, जो छाती का भाग उसको उठाना है। तो ये भुजंग आसन है, ये आपका पीठ दर्द, डायबिटीज, अस्थमा, हाइपरटेंशन, सभी रोगों के अंदर ये एज ए करेक्टिव मेजर योग आपका यूज होगा। इस आसन से आपको बहुत से रोगों से निजात मिलती है। तो ये जो हमारा प्रैक्टिकल लेसन था, लास्ट वीडियो थी थर्ड लेसन की, योगा एंड लाइफ स्टाइल क्लास प्लस टू फिजिकल एजुकेशन, इस प्रकार आपका जो लेसन है वो पूरा हुआ। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर जो हमारे पार्ट, हमने अलग अलग पार्ट में वीडियोज बनाई है, प्लस टू के जो बच्चे हैं खास करके, वो इससे लाभ ले सकते हैं, प्रैक्टिकल में अच्छा स्कोर कर सकते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल में। नेक्स्ट जो जिनके हाइपरटेंशन, वीपी, कमर दर्द, अस्थमा, डायबिटीज या ओबेसिटी, इन रोगों का कोई ग्रस्त है तो वो भी इनसे, प्लस टू के बच्चे नहीं केवल, वो लोग भी फायदा ले सकते हैं। तो ये हमारा आज का जो लास्ट जो टॉपिक था, हमारा थर्ड टॉपिक का जो लास्ट हमारा जो पार्ट था, वो हमारा कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार उम्मीद है आप लोग इन आसनों कर लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।